हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। अभी जो हमारी सारा पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अपने डिस्कस कर रहे हैं हम, तो जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चंस किस टाइप के आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं ये आपको पता चल जाए, एक पैटर्न पता चल जाए कि आपको कैसे क्वेश्चंस पेपर को क्या है टैकल करना है, क्वेश्चंस को टैकल करना है एंड किस टाइप के आपके जो अभी तक का हमने सारा कंटेंट और डाटा पढ़ा है उसमें से किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आज का हमारा HTET का प्रीवियस ईयर का पेपर है 2011 का, वो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ चाइल्ड लर्न्स मोर इफ ही इज, मीन्स एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, फर्स्ट ऑप्शन है टॉट बाय थ्रू टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, दूसरा है कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाए, तीसरा है व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए यानी कि लेक्चर मेथड थ्रू पढ़ाया जाए, और फोर्थ है आपका क्रिया विधि से पढ़ाया जाए यानी कि एक्टिविटी मेथड से पढ़ाया जाए। हमारी कोई भी जो हमारी लर्निंग प्रोसेस में बोला गया है वो स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि किसी भी तरीके के मतलब बच्चे को अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़वा रहे हैं, क्या है वो प्राइमरी क्लासेस में हो, एलिमेंट्री क्लासेस में हो या आपकी हायर क्लासेस में हो, तो ट्राई करिए कि अगर वो खुद करके देखें या एक्टिविटी के थ्रू सीखें या खुद करके देखें तो उनके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है फोर्थ, टॉट थ्रू एक्टिविटी मेथड, कि उनको एक्टिविटी मेथड के थ्रू पढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर इन द क्लासरूम मेक्स एफर्ट्स, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, एक क्लासरूम के अंदर शिक्षक क्या क्या प्रयास करता है अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का यानी कि टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एंड सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरमेंट, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट, अपने आप सोचने की जो विधि होती है बच्चों के अंदर उसको देने का, और फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर ऑल दी एबव, कि ये सारे। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका आंसर है वो होगा फर्स्ट, यानी कि टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, छात्रों को अनुभव प्रदान करने का। आप कोई भी लर्निंग कराएंगे क्लासरूम के अंदर तो ट्राई कीजिए वो ऐसी हो जो उससे बच्चे खुद एक्सपीरियंस करें। ठीक है, खुद अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो वो क्या होगा, बच्चे की परमानेंट नॉलेज में क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दीज आर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, हमारी एजुकेशन के यानी कि शिक्षा के जो दो सबसे प्रमुख उद्देश्य हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन से हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका टू इंस्टिल सब्जेक्ट नॉलेज इन द चिल्ड्रन एंड द कॉज मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बालकों में विषयों का ज्ञान यानी कि जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसका ज्ञान और ज्ञान प्रदान करना पहला ऑब्जेक्टिव, और दूसरा कि उसका मेंटल डेवलपमेंट करना। सेकेंड ऑप्शन आता है आपका टू प्रोवाइड सब्जेक्ट नॉलेज एंड प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, बच्चे को सब्जेक्ट नॉलेज देना और उसको एग्जामिनेशन के लिए यानी कि परीक्षा के लिए प्रिपेयर करना। थर्ड आपका आता है टू प्रोवाइड सब्जेक्ट नॉलेज एंड हेल्प द मेमोराइजेशन, उसको सब्जेक्ट नॉलेज देना और उसके बाद उसको रिकॉल या याद करने में सहायक बनाना। फोर्थ ऑप्शन आता है आपका टू प्रोवाइड सब्जेक्ट नॉलेज एंड डेवलप वोकेशनल स्किल, कि बच्चों को सब्जेक्ट नॉलेज देनी चाहिए और उसके साथ साथ क्या है, बच्चे के साथ उसमें वोकेशनल स्किल यानी कि व्यवसायिक कौशल का विकास करना चाहिए, व्यवसायिक कौशल जिससे बच्चा अपने आगे जाके कोई भी जिसका उसका इंटरेस्ट है जिसमें उस चीज़ को चूज़ कर सके। तो इसका आंसर है सेकंड, यानी कि टू प्रोवाइड सब्जेक्ट नॉलेज एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, कि आप बच्चे को सब्जेक्ट नॉलेज देंगे और उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे क्लासरूम टीचिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, मोस्ट चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज मतलब मातृभाषा, कि आपकी जो मातृभाषा है बच्चा उसको
कब सीख लेता है, किस एज में। देखिए यहाँ पे एक चीज़ में ध्यान देना, यहाँ पे मोस्ट चिल्ड्रन बोला है, यानी कि अधिकांश बालक, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा को कब समझने लगते हैं या उसको सीख जाते हैं, तो वो सीखते हैं एट द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल की उम्र में सीखने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 years एज ग्रुप नीड, कि 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। पहला, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, कक्षा कक्ष में एक उनको प्रजातांत्रिक यानी कि एक फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। एटोनॉमी इन लर्निंग, सीखने में उनकी भागीदारी या स्वायत्तता देना। एक्टिविटी बेस्ड इंट्रैक्टिव लर्निंग, यानी कि क्रिया आधारित जो भी उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बेस्ड है उस पे ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद आता है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। अब इसमें कौन सी आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है कि आप उसको बच्चे की जो भी क्लासरूम के अंदर आप लर्निंग कराएंगे 6 से 11 वर्ष के लिए, उसके लिए आवश्यकता है क्या है। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, एटोनॉमी इन लर्निंग भी होनी चाहिए कि वो खुद करे, और एक्टिविटी बेस्ड भी होना चाहिए, यानी कि आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड शोज जेलसी एट द एज ऑफ, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कम करता है जब उसके अंदर जेलसी वाली फीलिंग आने लगती है, वो कौन सी एज के अंदर ईर्ष्या प्रदान करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में एंड 1 साल का बच्चा, यानी कि 2 साल का बच्चा और 12 महीने यानी कि 1 साल का। ठीक है, और 18 साल आपका 1.5 साल का बच्चा, 6 महीना यानी कि हाफ ईयरली हो गया। ठीक है, तो आपका इसका आंसर है कि ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है बच्चा 12 माह में, यानी कि 1 साल का बच्चा, 1 ईयर का बच्चा क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी भी पर्सन के प्रति जेलिसी वाली फीलिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्टूडेंट्स लर्न इन वैरायटी ऑफ वेज, यानी कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, मतलब बालक जो बच्चे होते हैं सबका अपना अपना मेंटल लेवल होता है, सबकी अपनी अपनी क्या है एजुकेशन होती है। ठीक है, तो बच्चे विभिन्न विभिन्न प्रकार से कैसे सीखते हैं, फ्रॉम द लेक्चर ऑफ द टीचर, शिक्षक का भाषण द्वारा, मतलब टीचर्स का क्या है लेक्चर सुनकर। दूसरा है, सेकंड ऑप्शन इसका, थ्रू एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन, आस्किंग क्वेश्चन, डूइंग एक्टिविटीज़ एंड थ्रू रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि प्रयोग करके, विवेचना करके, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके और चिंतन करके क्या है बच्चे विविध प्रकार से सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका, टीचर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड टेक्स्ट बुक बेस्ड टीचिंग, कि जो भी टीचर है वो डायरेक्ट और अपनी पाठ्यपुस्तक को ध्यान में रख के कंट्रोल टीचिंग कराता है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी एबव। ठीक है, इसका आंसर है आपका, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं का, थ्रू एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन, क्वेश्चन मेकिंग एंड डूइंग एक्टिविटीज़। क्योंकि इसके अंदर क्या बोला है कि बच्चे किसी भी तरीके से सीख सकते हैं, प्रयोग करके भी, विवेचना करके भी यानी कि डिस्कस करके भी, क्वेश्चन क्वेश्चनिंग करके भी, एक्टिविटी करके भी, या फिर अपनी मेंटल को मतलब एक्टिव करके, मेंटल एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्शन के थ्रू भी बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 year एज ग्रुप हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं ज़्यादातर मोस्टली। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रन आर नेचुरल एंड एक्टिव लर्नर, इस एज में बच्चे क्या होते हैं बिल्कुल स्वाभाविक यानी कि नेचुरल होते हैं और एक्टिव रहते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका, डिपेंड ऑन टीचर्स और फॉर लर्निंग, टीचर पे डिपेंड रहते हैं लर्निंग के लिए, कुछ भी सीखने के लिए। थर्ड ऑप्शन है आपका, चिल्ड्रन रिसीव नॉलेज फ्रॉम टीचर, विद्यार्थी मतलब जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं टीचर्स पे डिपेंड रहते हैं किसी भी तरीके का नॉलेज लेने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है आपका, चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, कि बच्चे क्या है किसी भी तरीके की लर्निंग में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। ठीक है, 6 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं, तो इसमें आपका आंसर है कि फोर्थ, चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टिंग इन अ लर्निंग।
बच्चे बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस एज में क्या होता है, 6 से 11 साल के बच्चे ज़्यादातर क्या है, प्लेज एक्टिविटीज़ और खेल ग्रुप्स इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अपने बाकी क्लासमेट्स और बच्चों फ्रेंड्स के साथ। तो इसीलिए इस एज में बच्चे किसी भी तरीके की लर्निंग के थ्रू एक्टिव भी नहीं होते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। एज अ टीचर यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ एक्टिविटीज़ करवा के या लर्निंग उनकी आपको कैसे करवानी है, तो यहाँ पे आपको एज अ टीचर टैकल करना होता है। लेकिन बेसिकली अगर बात की जाए कि बच्चों के अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो बच्चों के अंदर ये होता है कि बच्चे इस एज के अंदर कुछ भी सीखने के लिए रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे 4th होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट अबाउट द क्रिएटिव चाइल्ड इज नॉट ट्रू। जो आपके क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं यानी कि सृजनात्मक बालक होते हैं यानी कि सृजनशील बच्चे होते हैं जो हर चीज़ में क्या है एक्टिव रहते हैं, उनके लिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अ क्रिएटिव चाइल्ड इज क्यूरियोशियस, जो आपके सृजनशील बालक होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही, वो हर चीज़ में उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, हर चीज़ को जानने की इच्छा रहती है। सेकंड ऑप्शन है आपका अ क्रिएटिव चाइल्ड इज़ नॉट एडवांटेज, यानी कि आपका जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो साहसी नहीं होते, मतलब किसी भी चीज़ के लिए सीखने के लिए एक तरह से रेडी प्रिपेयर नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे नॉट ट्रू है, वो सही नहीं है। और जो आपके क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, बहुमुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं होते। इंट्रोवर्ट क्या होता है, अपने ही आप में खोए रहते हैं, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। लेकिन जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट टाइप होते हैं, सब चीज़ों को देखकर सोचते हैं। और जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो थोड़े एम्बिशंस भी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू, यानी कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है किससे। न्यू नॉलेज जब हम गेन करते हैं वो किससे होती है। फर्स्ट, ट्रांसमिशंस ऑफ नॉलेज कि जो ज्ञान का स्थानांतरण है उसके द्वारा, यानी कि जो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है उसके थ्रू। फिर मेमोराइजेशन यानी कि रटने के द्वारा। एक्सपीरियंस एंड सर्चिंग न्यू मीनिंग्स, आप नए नए एक्सपीरियंस करें, कुछ नया कुछ ढूंढें, नवीन जैसे बोलते हैं ना, डिस्कवरी कर रहे हैं कुछ नई, वो चीज़। और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर है नन ऑफ द एबव, क्योंकि न्यू नॉलेज जो एक्वायर्ड होती है, नवीन ज्ञान, वो बेसिकली आपका किससे होता है कि अगर आप खुद एक्टिव हैं, खुद एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आपकी न्यू नॉलेज एक्वायर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, शिक्षण एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है। ट्रांसमिटिंग नॉलेज बाय द टीचर टू द चिल्ड्रंस, यानी कि शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण के लिए, कि एज एक टीचर के थ्रू बच्चों को जो भी नॉलेज देनी है सिर्फ उतना ही एक टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है हमारा। सेकेंड ऑप्शन आता है डायरेक्ट लर्निंग, कि अधिगम डायरेक्ट दे देना। और थर्ड ऑप्शन आता है गिविंग इंस्ट्रक्शन, एक अनुदेशन देना टीचिंग प्रोसेस है। और लास्ट ऑप्शन आता है आपका फैसिलिटिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, की शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने से, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर है 4th, फैसिलिटिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, की शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने से। मतलब कि जो भी आपका कंटेंट है वो क्या है, किसी भी रूप में है, लाइक वो बहुत टफ है, उसके अंदर आपको अगर बच्चे को कुछ नॉलेज प्रोवाइड करनी है, हो सकता है ना कि बच्चों की इंटरेस्ट का अकॉर्डिंग भी ना हो, उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ना हो। हम हमेशा जो भी टीचिंग करवाते हैं वो उनसे एक लेवल थोड़ी सी ऊपर ही होती है। अगर हम बच्चों को सिमिलर चीज़ें पढ़ाएंगे जो बच्चे को इस लेवल पे आती है, तो क्या फ़ायदा, उसको बार बार तो उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, वो तो रिवीजन और एक तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक लेवल बढ़ा कर कर ही तो हम बच्चे की लर्निंग करवाते हैं, टीचिंग करवाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, आपका एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको सरलीकरण करें, यानी कि ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करें कि आप उसको अप्रोप्रिएट तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकें, और अदर जो आपकी एड्स के थ्रू उसको इफेक्टिव बना सके, ठीक है। तो यहां पे आंसर आपका आता है 4th। नेक्स्ट है आपका
Question number 12, social development of a child actually means कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो वास्तव में प्रारंभ होता है, कब से बच्चे का सामाजिक जो विकास है वो होना स्टार्ट हो जाता है. फर्स्ट है आपका इन अर्ली स्कूल स्टेज, विद्यालय पूर्व अवस्था में, मतलब जब बच्चा स्कूल में जाना नहीं सीखता उससे पहले ही उसका सोशल डेवलपमेंट होने लगता है. सेकंड है शैशवावस्था में, मतलब जब 0 से 2 साल का बच्चा होता है तब, यानी कि. और थर्ड ऑप्शन है आपका पूर्व बाल्य व्यवस्था में, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में, ये आपकी 3 से 5 साल वाली उम्र होती है उसमें. और उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड में, यानी कि 5 से 7 साल वाली उम्र होती है उसमें. तो बेसिकली जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है वो आपका उत्तर बाल्य व्यवस्था यानी कि इन लेटर चाइल्डहुड में होता है, क्योंकि 5 साल का बच्चा क्या है स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पर उसके नए फ्रेंड्स बनते हैं, अपनी सोसाइटी से भी कनेक्ट होता है. तो बच्चा 5 साल का बच्चा इतना एक्टिव हो जाता है कि वो अपनी सोशल नीड्स को अपने फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है. ठीक है, तो उत्तर बाल्य व्यवस्था में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर है 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ सुटेबल मैथड ऑफ टीचिंग प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन इज, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है. अगर आप टीचर हैं किसी प्राइमरी क्लास के, प्राइमरी क्लास में अगर आप टीचिंग करवा रहे हैं बच्चों की, तो आप किस मेथड के थ्रू बच्चों को इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाएंगे. फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड, जो आपका थ्रॉनडाइक ने दिया था. फिर है इमिटेशन मेथड, यानी कि अनुकरण विधि. फिर है लेक्चर मेथड, जो आपका सुकरातो का था, व्याख्यान विधि. एंड फोर्थ है आपका प्लेवे मेथड, यानी कि खेल विधि. तो प्राइमरी क्लासेस में क्या यूज़ करेंगे आप, प्लेवे मेथड यूज़ करेंगे या खेल विधि यूज़ करेंगे जो आपकी फ्रोबेल के द्वारा दी गई है, जिससे बच्चे, क्योंकि उस एज में क्या होते हैं बच्चे प्राइमरी क्लासेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो एक जगह पर बैठकर आपका लेक्चर बियर नहीं कर सकते, मैच वहाँ पर अनुकरण नहीं कर सकते. तो इसीलिए वहाँ पे आप ट्राई करेंगे कि आप बच्चों को प्लेवे मेथड के थ्रू सिखाएं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाएं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडिया प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इज लाइंग एम्फेसाइज ऑन, कि जो इंडिया के अंदर प्राइमरी शिक्षा है वो किस पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज यानी कि बल देती है. फर्स्ट है आपका डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, कि किसी भी चीज़ का अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोध विकास करना, कि कोई भी कंटेंट हो, किसी कुछ भी करिकुलम हो, स्टडी मटीरियल हो, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चे का कन्वर्ट करना. सेकेंड ऑप्शन आता है स्प्रेडिंग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, यानी कि आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना. थर्ड आता है आपका डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि विवेचात्मक चिंतन करवाना. मतलब क्रिटिकल थिंकिंग होता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, विवेचना करना कि ये क्यों है, क्यों नहीं है, किस क्या इसके रीजंस क्या हैं, होने के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, वो चीज़. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आता है आपका इनक्रेजिंग रोट लर्निंग, यानी कि रटने पर बल देना. तो प्राइमरी शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाता है वो दिया जाता है आपका बोध का विकास करना, यानी कि आंसर होगा इसमें फर्स्ट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे की हर किसी के प्रति जो भी आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके प्रति क्या है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ताकि उसके से रिलेटेड वो अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाए और अपनी लाइफ में की लाइफ से उसको कनेक्ट करते हुए आगे नई चीज़ें सीख पाए. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. टीचिंग बिकम्स मच मोर इफेक्टिव प्रोवाइडेड, जो एक लर्निंग हमारी टीचिंग होती है, जो शिक्षण विधि है वो अधिक प्रभावी हो सकता है, मतलब उसको आप ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो कैसे. फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर गिवन एटनॉमी एंड कंट्रोल टू वर्क ऑन देयर ओन, यानी कि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाना चाहिए, कि बच्चे क्या हैं खुद से करके सीखे, खुद की लर्निंग करें और खुद को ही अपने वर्क के थ्रू कंट्रोल करें. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आता है इसके अंदर स्टूडेंट लर्निंग इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल बाय टीचर, कि जो स्टूडेंट की लर्निंग कराई जाए वो टीचर के निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन के थ्रू और कंट्रोल के थ्रू कराई जाए. थर्ड ऑप्शन आता है आपका टीचर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन एक्सप्लेनिंग अ फैक्ट्स, टीचर एक सेंट्रल रोल प्ले करे किसी भी फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन में. और फोर्थ आता है आपका टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग, कि अधिकम
को निर्देशित करता है, किसके थ्रू? टीचर के थ्रू. ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा कि फर्स्ट ऑप्शन, स्टूडेंट आर गिविंग ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल टू वर्क ऑन देयर ओन, कि बच्चे क्या है, खुद ही करके सीखें. देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप रट लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी आपके साथ पेडागोजी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, अगर उसके अंदर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई कि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बच्चा खुद करके सीख रहा है, खुद के एक्सपीरियंसेस ले रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा. बाकी आप तीनों ऑप्शन को भूल जाइए, सीधा उसे उठा के टिक कर दीजिए, आपका 100% की श्योरिटी है कि वो ही आंसर होगा, अगर आपको भी कंफ्यूजन भी क्रिएट होने लगे तो. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ, एक अधिगम जो है वो जो विधि है वो क्या है, लर्निंग कौन सा प्रोसेस है, किस पे ज्यादा इम्फेसाइज है या इम्पॉर्टेंट है, किस चीज के लिए. फर्स्ट आता है मेमोराइजिंग फैक्ट्स, किसी भी तथ्यों या फैक्ट्स को क्या है लर्न करने के लिए. सेकेंड आता है मेमोराइजिंग द टेक्स्ट मटेरियल, अपना जो भी आपको पाठ्य पुस्तक दी गई है या कोई भी कंटेंट दिया गया उसको याद करने के लिए. और सेकंड आता है, थर्ड आता है आपका मीनिंग मेकिंग थ्रू एक्सपीरियंस, कि अनुभव द्वारा अर्थ ग्रहण करने के लिए. एंड लास्ट फोर्थ आता है आपका प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, कि परीक्षा के लिए तैयारी के लिए आपको अधिकम सीखना चाहिए या उसका प्रोसेस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है. ठीक है, तो इसका आंसर है तथ्यों को याद करने के लिए, यानी कि मेमोराइजिंग फैक्ट्स. ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट है मेमोराइजिंग फैक्ट्स. नेक्स्ट है आईक्यू ऑफ द टैलेंटेड चाइल्ड इज, जो टैलेंटेड बच्चा होता है यानी कि बुद्धि जो प्रतिभावान बच्चा होता है बहुत ज़्यादा, उसका आईक्यू लेवल कितना है, उसका आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 130, सेकंड है 140 और थर्ड है आपका 125 एंड फोर्थ है आपका 120. ठीक है, एक चीज़ मैंने बताई थी, आप मेरा वीडियो देखेंगे ये जो गिफ्टेड चाइल्ड और टैलेंटेड बच्चों वगैरह के ऊपर है, तो गिफ्टेड चाइल्ड की जो हमारी रेंज शुरू हो जाती है वो बेसिकली 120 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे टैलेंटेड यानी कि हर चीज़ में जो प्रतिभावान बच्चा होता है किसी भी फील्ड में, उसका आंसर है 140. ठीक है, कि 140 आईक्यू लेवल का जो बच्चा होता है वो हर फील्ड में टैलेंटेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, जो विद्यार्थी का विकास है, किसी भी बच्चे का, व्यक्ति का जो विकास है वो किस पे डिपेंड रहता है. फर्स्ट हेरिडिटी यानी कि वंशानुकरण, सेकंड एनवायरनमेंट यानी कि आपका वातावरण, थर्ड है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ, जो वातावरण पे एंड वंशानुकरण पे होता है, एंड लास्ट वन है आपका नन ऑफ द एबव, कि किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है. ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. आप डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाला इसमें चैप्टर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट आपका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे कैसे इफेक्ट करता है, और ये दोनों ही उतने ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. अ गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा टीचर कौन है, जो क्या करे, कुछ ऐसा करे जिससे कि एक उसको अच्छा टीचर माना जाए, तो क्या करना चाहिए. फर्स्ट है कॉजेस डिजायर्ड बिहेवियर चेंज इन द लर्नर, कि छात्रों के अंदर जो है व्यवहार परिवर्तन करता है. मतलब मान लीजिए आपको अभी एक कोई बच्चा प्राइमरी क्लासेस में आया है, या फिर एलिमेंट्री का ले लीजिए, एट्थ क्लास का बच्चा, किसी को सिर्फ LCM और SCF आते हैं. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्या है, उसको फैक्टर्स आ जाएंगे, तो ये क्या हुआ, उसके बिहेवियर में चेंज हुआ. उसको पहले अभी तक SCF की स्टेज पे था, लेकिन नेक्स्ट क्या है, लर्निंग के थ्रू वो फैक्टर की स्टेज पे पहुंच गया. तो इसका मतलब है बिहेवियर चेंज आए बच्चों के अंदर, एक अच्छा वो टीचर है जो बिहेवियर चेंज कर सके. सेकेंड है आपका ट्रांसमिट्स नॉलेज वर्बली, कि मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान कर सके. थर्ड है आपका नेयर्स इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का वर्णन कर सके. एंड ट्रांसमिट्स करिकुलम यानी कि जो आपकी पाठ्यचर्या है, यानी कि जो आपका करिकुलम है उसको बच्चे के लिए इफेक्टिव बना सके, या उसका ज्ञान बच्चे को प्रदान करा सके. ठीक है,
तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा causes desired behavior change in the learner, यानी कि छात्रों में वांछित व्यवहार का परिवर्तन करना. ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने इसी का मतलब तो है गुड टीचर. अगर जो बच्चे को इस चीज़ में अच्छा कर सकता है इट मीन्स एक वो टीचर अच्छा है क्लासरूम के अंदर. ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर है इसके अंदर. नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20. इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी स्टेज नीड्स टू बी, प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए. मतलब जो प्राइमरी स्टेज पर बच्चे की नीड्स होती हैं या आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं बच्चे को, तो वो किसको ध्यान में रखकर आपको देने चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका टीचर सेंटर होने चाहिए, यानी कि टीचर को ध्यान में रख के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने चाहिए. सेकंड है आपका टेक्स्ट बुक सेंटर, यानी कि पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के इंस्ट्रक्शन देने चाहिए. उसके बाद आता है स्टूडेंट सेंटर, यानी कि छात्र केंद्रित होने चाहिए स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के. एंड फोर्थ वन है आपका टीचर एंड टेक्स्ट बुक सेंटर, कि जिसके अंदर एक टीचर भी को भी ध्यान में रखा जाए और पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक को भी ध्यान में रखा जाए, वैसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराने चाहिए. ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आंसर आता है कि पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक सेंटर होने चाहिए. अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक सेंटर क्यों होने चाहिए, देखो जो अभी तक की हमारी सारी लर्निंग करवाई जा रही थी, मैंने आपको पेडागोजी साइकोलॉजी पढ़ाया, उसके अंदर मेरा जो ज़्यादातर एम्फेसाइज था वो किस पर था, स्टूडेंट्स पे था, कि हमें जो भी लर्निंग करानी है टीचिंग करानी है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग करवानी चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करवानी चाहिए, लेवल के अकॉर्डिंग करवानी चाहिए, यही सारी बातें कर रहे थे हम. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की बात हुई है. ठीक है, तो आप अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं पढ़ाने से पहले तो वो भी किसके थ्रू करेंगे, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना, पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग ही करेंगे. और इंस्ट्रक्शन भी देंगे बच्चों को तो इसी के अकॉर्डिंग देंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सब्जेक्ट क्या है मैथ्स पढ़ाना है साइंस पढ़ाना है और बच्चों से आप पूछेंगे अच्छा आज घर पर क्या किया कल घर पर क्या करोगे, उनको आपका डेली रूटीन क्या है, तो वो वाली सारी बातें नहीं होंगी. तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए. जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आपकी कंटेंट जो पाठ्य पुस्तक है उसके रिलेटेड आपको देना है. ठीक है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि व्हाट इज इनिशियल फॉर द लर्निंग, कि हम लर्निंग जब करवाने जा रहे हैं क्लासरूम के अंदर या बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देना है आपको, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इम्पॉर्टेंट लेके चलना है. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ होना चाहिए, स्व अनुभव यानी कि सेल्फ एक्सपीरियंस बच्चा करे, सेल्फ थिंकिंग बच्चा करे यानी कि स्व चिंतन, और है सेल्फ एक्टिविटी, और लास्ट है आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, कि आपको ऐसी लर्निंग करवानी है जहाँ पे बच्चा खुद सीखे, खुद चिंतन करे और खुद एक्टिविटी करे यानी कि उसको करके देखे. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अ चाइल्ड ऑफ 6 or 7 ईयर ओल्ड इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट अदर्स व्यू पॉइंट. एक 6 से 7 साल का बच्चा होता है वो दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता. मतलब 6 से 7 साल के बच्चे को अगर आप कुछ चीज़ समझा रहे हो बता रहे हो, मान लीजिए एक ग्रुप जो है अगर बच्चा कुछ गलत आदतें सीखने लगता है अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग और पेरेंट्स उसको डांटते हैं कुछ अच्छा बताते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो दूसरे के पॉइंट को सुनता ही नहीं है, उसको हमेशा लगता है कि मेरे लिए नेगेटिव ही बोल रहे हैं. उस एज में क्या होता है बच्चा अपने ग्रुप के बारे में ज़्यादा सोचता है, फ्रेंड्स के बारे में ज़्यादा सोचता है. ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आपको एक वो ऑप्शन निकालना है जो जिसके कारण बच्चा योग्य नहीं होता दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए. फर्स्ट है आपका बिकॉज ही इज़ टू यंग, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है. सेकेंड ऑप्शन है बिकॉज ही इज़ एन ईगो सेंट्रिक, कि उसमें ईगो आ जाता है, अहम केंद्रित होता है, अपने बारे में ही सोचता है. थर्ड आता है आपका बिकॉज ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, कि वो बुद्धिमान नहीं होता इंटेलिजेंट नहीं होता. एंड बिकॉज ही इज़ इमेजिनेटिव, यानी कि कल्पना शक्ति में खोया रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर बिकॉज ही इज़ टू यंग, यानी कि क्योंकि वह बहुत छोटा होता है 6 से 7 साल की उम्र में, उसको अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं पता होते पॉइंट कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा नहीं सोच पाता है. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23.
Children of 6 to 11 year age group need the following of learning. कि 6 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं सीखने के लिए क्या आवश्यक है, 6 से 11 साल के बच्चे की learning के लिए क्या important है. First है आपका ability of concrete activity or experiences, कि बच्चों को concrete objects दिखाए जाएं, यानी कि मूर्त क्रियाएं करवाई जाएं, उनको experiences करवाए जाएं उनके सामने present करके. Second है transfer of knowledge by the teacher, कि शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण किया जाए. एंड थर्ड आता है आपका प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द मेमोराइजिंग, यानी कि रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था करना, कि बच्चा किसी की में चीज में रोट मेमोराइज कर सके, रोट लर्निंग कर सके. फोर्थ आता है आपका मोटिवेशन टू अटेन हाई रैंक इन अ क्लासरूम. आप बच्चों को इस रूप में मोटिवेट करो कि बच्चे क्लास में क्या है हाई रैंक लेकर आ सके, फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पर आ सके और अपने क्लासरूम के अंदर जो है अपने आप को अच्छे मार्क्स गेन करके प्रेजेंट कर सके. ठीक है, तो 6 से 11 साल के बच्चों के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपका आंसर है, इसमें आपका आंसर है फोर्थ, यानी कि मोटिवेशन टू अटेन हाई रैंक इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन नंबर आपका. Which among the following plays the most important role for emotional development of a child in early childhood? कि निम्नलिखित में से किसी की भूमिका पूर्व बाल्य व्यवस्था में बालक के संवेग आत्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. कि बच्चे के अंदर जो इमोशनल डेवलपमेंट किया जाता है पूर्व बाल्य व्यवस्था में, वो कैसे आप अच्छे तरीके से क्या है बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट आता है आपका टीचर्स के थ्रू, पीयर ग्रुप यानी कि संगी साथियों जो आपके फ्रेंड्स होते हैं और उनके थ्रू. फिर आता है थर्ड आपका नेबर्स के थ्रू, एंड लास्ट आता है आपका माता पिता के थ्रू. तो आप बच्चे के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट यूज़ करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपको किस एज में करना है, आपकी एज दी गई है अर्लियर चाइल्डहुड जो आपकी 3 से 5 ईयर्स की होती है. ठीक है, तो इस एज में क्या है बच्चा स्कूल जाना नहीं सीखता, तो टीचर्स के थ्रू तो आप करवा ही नहीं सकते, बच्चे का ग्रुप भी नहीं बनता क्योंकि वो स्कूल नहीं गया तो आस पड़ोस में भी उसका ग्रुप नहीं बन पाता इतना, या स्कूल में उसके सहपाठी नहीं होते, नेबर्स से भी इतना कनेक्ट नहीं होता इसमें. तो आप कैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स के थ्रू यानी कि माता पिता के थ्रू आप बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, क्योंकि 3 से 5 साल का बच्चा स्कूल जाना तब नहीं सीखता है. ठीक है, इसका आंसर है फोर्थ. 25th क्वेश्चन नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान है यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज, जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है वो क्या है, प्योर साइंस है. सेकेंड है एन अप्लाइड साइंस है, व्यवहारिक विज्ञान है. उसके बाद है अ नॉर्मेटिव साइंस है, एक मानक विज्ञान है. एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दी एबव, कुछ भी नहीं है इन तीनों में से. ठीक है, तो इसका आंसर है आपका मानक विज्ञान है यानी कि नॉर्मेटिव साइंस है. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 26th क्वेश्चन. इंक ब्लॉट टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज व्यक्तिगत वो मापन का स्याही धब्बा परीक्षण. ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का ही मैं आपको HTET का करा रही हूँ, ये CTET एंड KVS का आप इससे पहले वाला देख सकते हैं, शायद 2014 का या 13 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्याही धब्बा यानी कि इंक ब्लॉट जो होता है आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है. जैसे हमने बीने के बुद्धि परीक्षण बताए थे ना, कि बीने ने इंटेलिजेंस लेवल के लिए टेस्टेस लगाए थे, तो ऐसे ही पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट क्या होता है, इंक ब्लॉट टेस्ट होता है. ठीक है, तो वो किस टाइप का परीक्षण है. ठीक है, फर्स्ट है अ सब्जेक्टिव टेस्ट, एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, एंड फोर्थ है आपका नॉन ऑफ दी एबव, यानी कि आत्मनिष्ठ परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ और प्रेक्षण परीक्षण है. तो इसमें आपका आंसर है आपका आंसर नंबर थर्ड, अ प्रोजेक्टिव टेस्ट. जो आपका ब्लॉक इंक ब्लॉक टेस्ट होता है वो आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है यानी कि प्रेक्षण परीक्षण. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. फॉर दी 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप लर्निंग इज, 6 से 11 वर्ष की जो आयु वर्ग होता है उसके लिए कैसा अधिगम देना चाहिए यानी कि कैसी लर्निंग करानी चाहिए. फर्स्ट है आपका एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन यानी कि ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया.
सेकेंड है प्रोसेस ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन यानी कि रटने की प्रक्रिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आप रटवाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं बच्चे को। ज्ञान निर्माण के लिए एक सक्रिय प्रक्रिया ये हो सकता है। एंड थर्ड पे बढ़ते हैं इससे पहले, अब प्रोसेस ऑफ हियरिंग अटेंटिवली इन द क्लासरूम, कि बच्चे कक्षा कक्ष के अंदर क्या है ध्यानपूर्वक सुने, इस तरह से क्या है 6 से 11 वर्ष के बच्चे अधिकम कर सकते हैं। और फोर्थ है आपका प्रोसेस ऑफ स्टडिंग अ टेक्स्ट बुक, कि पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन कराया जाए। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आंसर नंबर 3, अ प्रोसेस ऑफ हियरिंग अटेंटिव इन अ क्लासरूम, कि बच्चे क्या है क्लासरूम के अंदर ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, लर्निंग इन चिल्ड्रन एक्वायर थ्रू, कि बालकों में अधिकम कैसे होता है। मेमोराइजिंग द नॉलेज, ज्ञान को रटने से हो सकता है। रीडिंग द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय द टीचर, टीचर के थ्रू नॉलेज दी जा सकती है। और लास्ट ऑप्शन है आपका डूइंग एक्टिविटीज, यानी कि क्रिया करके, तो इसका आंसर डूइंग द एक्टिविटीज। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जहाँ पे भी आपको एक्टिविटी बेस्ड, प्लेवे मेथड बेस्ड, बच्चे के इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऑप्शन दिखाई दे, तो आप बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल भूल जाना, आँख बंद करके वही वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है डूइंग एक्टिविटीज़, कि बच्चे क्रिया करके सीखेंगे तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि लर्निंग टेक्स प्लेस इफेक्टली इफ अ चाइल्ड, कैसे हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं बच्चों के लिए, लर्निंग इज मेड रेडी टू लर्न, बच्चे को सीखने के लिए रेडी कर सकते हैं। रिपीट्स व्हाट द लर्नर्स, बच्चे जो भी सीखता है उसे दोहरा कर करवा सकते हैं इफेक्टिव। फील सेटिस्फाई, यानी कि बच्चा बिल्कुल संतुष्ट अनुभव करे कुछ जो भी सीख रहा है उसके थ्रू। एंड डज ऑल दी एवब, इन सभी के थ्रू हम बच्चों का क्या है अधिगम करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, यानी कि बच्चे को फर्स्ट हमें रेडी ही करना होता है क्लासरूम में जाने के बाद, कि बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले रेडी हो, फिर उसको दोहराए भी, रिपीट भी करे, और उससे क्या है सेटिस्फाई भी हो। ठीक है, तो इसका होगा डज ऑल द एवब्स। लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस वीडियो का, व्हाट इज़ द नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ, कि वृद्धि के बारे में यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी सही नहीं है। फर्स्ट है आपका ग्रोथ इज फिजिकल, बिल्कुल सही है, जो हमारी ग्रोथ होती है वो शारीरिक होती है, फिजिकल होती है। सेकेंड है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक होती है, सही है। वृद्धि इज मेजरेबल, यानी कि जो आपकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उसको आप मेजर कर सकते हो, हाइट को मेजर कर सकते हो, वेट को मेजर कर सकते हो, राइट। एंड लास्ट है आपका ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आपका गलत है फोर्थ वन, यानी कि आपका आंसर होगा इसका फोर्थ, की ग्रोथ जो है आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, बिल्कुल नहीं। जो आपकी वृद्धि होती है वो एक समय में आके, यानी कि जो ग्रोथ होती है आपकी वो एक समय में आके रुक जाती है। बच्चे की हाइट वेट एक समय में आके क्या होता है रुक जाता है। अगर 15 साल का बच्चा है उसकी हाइट हो गई 6 फीट या 5 फुट 5 इंच फॉर एग्जाम्पल 18 साल के बच्चे की, तो ये क्या होगा एक टाइम के बाद रुक जाएगी, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और ग्रोथ में बेसिकली क्या होता है, जो फीमेल होता है और मेल होते हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके से होती है, मतलब पहले फीमेल में बड़ी तेज़ी से होती है, फिर फीमेल में क्या होती है ग्रोथ रुक जाती है। मेल में पहले बहुत स्लो होती है, चलती हुई, फिर जब फीमेल की रुक जाती है उस टाइम पे मेल की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, फिर देन जब मेल की रुक जाती है देन फीमेल की इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन होती है एक टाइम पे आके क्या है दोनों की रुक जाती है, हाइट हो जाती है, वेट हो जाता है, वो ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं है, वो उम्र के हिसाब से और आपकी फिजिकल जो आपकी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग है, बेसिकली ये भी ग्रोथ जो है आपकी हेरिडिटी से इफ़ेक्टिव हो रहती है, क्योंकि आपकी पेरेंट्स की हाइट जितनी है और बेसिकली देखा जाता है मोटापा तो नहीं, जो आपके हेल्दीपन आता है वो तो खाने पीने से बढ़ता घटता रहता है, बट बेसिकली जो ग्रोथ के अंदर हम चीज़ें रखते हैं जैसे मेंटल एबिलिटी हो गई या बच्चे की फिजिकल ग्रोथ हो गई, हाइट वगैरह, वो हेरिडिटी से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जैसे ही आपके पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे मोस्टली देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये. सारे जो आपको आंसर्स हैं वो मिल गए 30 के 30 के, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए. और नेक्स्ट हम HTET का ही प्रीवियस ईयर पेपर एक और करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.